हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैग बनाना सिखाऊंगा जो इस तरह का एक बैग बनाया है मैंने। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे पास ऐसा ब्लाउज़ का वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। तो इस फैब्रिक में जिस तरह से वर्क किया हुआ है वो शेप में मैं आपको हैंड बैग बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको मैं जो बैग सिखा रहा हूँ वो आप कोई भी फैब्रिक में बना सकते हैं। और मेरे पास जो फैब्रिक है उसमें से दोनों पार्ट सेम ही है, सेम दोनों पार्ट में वर्क किया हुआ है। तो मैं दोनों पार्ट कटिंग कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ से मैं इस पार्ट को कटिंग कर लेता हूँ, जिस तरह से वर्क का शेप है इस तरह से मैं यहाँ से क्रॉस में कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले एक पार्ट कटिंग कर लिया है। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेता हूँ, जिस तरह से हमने पहला पार्ट कटिंग किया उस तरह मैं यहाँ दूसरा पार्ट कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ से मैं दोनों पार्ट सामने सामने कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों का वर्क सेम ही है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट सामने सामने करके यहाँ दोनों का वर्क मिला लेता हूँ। यहाँ इस तरह से हमें दोनों वर्क मिला लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट का वर्क मिला लेना है और यहाँ से हमें माप कर लेना है। तो यहाँ से मैं माप कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसका माप हमें 11 इंच का रखना है। तो यहाँ मैं 11 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं 11 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से मैं 11 इंच के निशान से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ नीचे भी हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं अंदाजित राउंड में कटिंग कर लेता हूँ। और अब इसको यहाँ सेंटर से हमें फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है सेंटर से। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है, जिस तरह हमने पहला कटिंग किया उसी के हिसाब से यहाँ दूसरी साइड भी राउंड में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें राउंड में निशान कर लेना, जिस तरह से यहाँ वर्क किया हुआ उसी शेप में यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ मैं निशान कर लेना है। मतलब यहाँ हमने जो रिसर्न किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें कटिंग करके शेप दे देना है। और अब हमें दूसरे पार्ट का भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमें दूसरा पार्ट रखना है और उसके ऊपर हमने जो कटिंग किया है वो पार्ट रख देना है। और हमने जो कटिंग की है उसी के हिसाब से यहाँ दूसरा पार्ट भी हमें कटिंग कर लेना है उसके ऊपर रखकर। तो यहाँ से दोनों वर्क मिला लेना है हमें। तो इस तरह से दोनों सामने सामने रखकर यहाँ वर्क मिला लेना है और बाद में हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ का माप 19 इंच का है तो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए यहाँ साइड में से कटिंग कर लेता हूँ मैं। तो अब यह फिर से हमें यहाँ सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ साइड में से थोड़ा कटिंग कर लेना है, थोड़ा कम कर लेना है। तो यहाँ से मैं ये थोड़ा कम कर देता हूँ इसका साइज़।
तो इसी तरह यह दूसरे पार्ट का भी मैं साइज कम कर देता हूँ, तो यह भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अभी इस पार्ट का माप यहाँ है 17.5 इंच का और यहाँ है 11 इंच का। तो इस तरह से 11 बाई 17.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है, इस तरह से दो कटिंग है। और अंदर में ऐसी रबर सीट लगाऊंगा, तो इस तरह की रबर सीट है, उसका भी माप सेम वही है। और अस्तर में ऐसा नॉन वोवन फैब्रिक यूज़ करूंगा, वो 3 लेना है हमें, उसका भी माप सेम वही है। और उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, उसका भी माप सेम वही है, और वो भी हमें 2 लेना है। तो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है, आप तो प्लास्टिक बिना भी है बैग बना सकते हो। और अंदर जो पार्टीशन लगाऊंगा, वो अस्तर का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है, आधा इंच ज़्यादा लिया है। और यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो ऐसा एक पॉकेट हमें दोनों जिप के बीच में लगाना है, ऊपर की साइड। और यहाँ बाहर जो साइड में जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 16 इंच का लिया है। ये हमारा बैग क्रॉस में आएगा, इसलिए जिप यहाँ ऊपर कम रहेगी। और यहाँ ऊपर जो जिप पट्टी लगाऊंगा, ऊपर जिप लगाऊंगा 2 जिप, वो जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। और इसी माप का एक अस्तर लेना है। नीचे मैंने नॉन वोवन फैब्रिक यूज़ किया है अस्तर में, और ऊपर मैंने प्लेन फैब्रिक लगाया है। और यहाँ ऊपर जो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। तो 15 इंच के में 2 जिप लेनी है, वो मैं ऊपर लगानी है। और ये जिप पट्टी के साथ जो दूसरा फैब्रिक लगाऊंगा, उसका माप मैंने यहाँ 14.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें। और ये यहाँ जिप पट्टी के साइड में लगाना है, इस तरह से दोनों साइड एक एक फैब्रिक लगाना है। और यहाँ बीच में हमें दोनों जिप लगानी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, उसका माप मैंने यहाँ 4 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 24 इंच का लिया है। तो इस तरह से 24 बाई 4 इंच का हमें 2 हैंडल का कटिंग लेना है। और ये हैंडल के अंदर ऐसे रबर सीट लगाऊंगा, और ये रबर सीट की चौड़ाई मैंने यहाँ 1 इंच की ली है। और उसमें जो बाहर बॉर्डर लगाऊंगा, वह बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 33 इंच का लिया है। तो इस तरह से 33 बाई 5 इंच की में एक बॉर्डर लेनी है। और नीचे मैंने अस्तर लगाया है, उसके ऊपर मैंने प्लेन फैब्रिक लगाया है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा कर मैंने बॉर्डर तैयार कर ली है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें ये फैब्रिक रख देना है। और यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ नीचे पहले हमें अस्तर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ जिप वाला पॉकेट लगाना है, इसलिए जिप की सिलाई अंदर ग्राउंड आएगी। इसलिए यहाँ पहले अस्तर नहीं लगाना है, अस्तर हमें बाद में लगाना है। जब हमें जिप लगानी है, तब यहाँ अस्तर साथ में लगा देना है। तो पहले हमें इस तरह से यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ बाहर साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है, उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से मैं ज़्यादा रबर सीट है, उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है। और अब इस पार्ट के ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है, तो आप बिना प्लास्टिक से ही बैग बना सकते हो। तो यहाँ मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है।
तो इस तरह हमें पार्ट के ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है और हमें ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। और अब यहाँ से भी हमें बाहर जो ज़्यादा प्लास्टिक लेमिनेशन है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा बाहर प्लास्टिक लेमिनेशन है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है। और अब यहाँ हमें जिप वाला पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ पहले हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ से हमें पहले माप कर लेना है पॉकेट का। तो यहाँ हमें छातीस पे जिप लगानी है। तो यहाँ छातीस पे हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारा पॉकेट है 7 इंच का रहेगा और यहाँ ऊपर का माप 4 इंच का रहेगा। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेना है और अब यहाँ इसके ऊपर हमें जिप रख देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर जिप रख देता हूँ और ये जिप का माप हमारा 16 इंच का है। जो हमने 16 इंच की एक जिप कटिंग की वो हमें यहाँ लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जिप लगा देनी है और साथ में यहाँ हमें अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर हमें साथ में अस्तर भी रख देना है। और ये अस्तर का माप हमने यहाँ 11 इंच का कटिंग किया था और यहाँ हमने 18 इंच का कटिंग किया था। वो एक अस्तर लेना है हमें पहले और ये जिप के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं अस्तर रख देता हूँ और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ प्रेस कर देना है और ये अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ नीचे भी ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और यहाँ नीचे से जो अस्तर कटिंग किया है वो हमें ऊपर लगा देना है। और अब यहाँ हमें ऊपर का पार्ट रख देना है। जो हमने ऊपर का पार्ट कटिंग किया है वो रख देना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है। तो इस तरह से हमें ऊपर का पार्ट और ये जिप हमें यहाँ इस तरह से दोनों जोड़ देना है। और हमने जो नीचे से कटिंग किया अस्तर का वो यहाँ साथ में लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर साथ में अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये अस्तर को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ भी ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने यहाँ जिप लगा दी है। और अब इस पॉकेट के नीचे हमें दूसरा अस्तर रख देना है और ये अस्तर का माप यहाँ 11 इंच का है और यहाँ 18 इंच का है। वो अस्तर हमें लेना है और इस पॉकेट के नीचे हमें इस तरह से रख देना है। ऊपर हमें ये जिप वाला पॉकेट रख देना है
और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके नीचे का अस्तर हमें अटैच कर देना है, इस तरह से हमें अस्तर जोड़ देना है यहाँ। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे अस्तर रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है, और हमने जो इस शेप में कटिंग की है उसी शेप में यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप वाला पॉकेट तैयार कर लेना है, और अब यहाँ साइड में जो अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा बाहर के जिप वाला पॉकेट तैयार हो जाएगा, जो इस तरह से मैंने जिप वाला पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पहले हमें अस्तर रखना है, और उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है, और उसके ऊपर हमें ये कटिंग किया हुआ पार्ट रख देना है, और अब यहाँ हमें पार्ट के ऊपर सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने कटिंग किया है इस तरह से इस पार्ट के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पूरे पार्ट के ऊपर सिलाई कर देनी है, जिस तरह से हमने पहले पार्ट के ऊपर सिलाई की, पहला पार्ट हमने तैयार किया, इसी तरीके से यह दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। और इसके ऊपर भी हमें प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है, जिस तरह हमने पहले पार्ट के ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगा, इसी तरह यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। तो यहाँ भी दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दूंगा। और अब हमें हैंडल तैयार कर लेना है। तो हैंडल के अंदर हमें पहले रबर शीट रखनी है इस तरह से, और यहाँ फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है, और यहाँ हमें अंदर की साइड इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये हैंडल तैयार कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस हैंडल को तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर देता हूँ, और इसी तरह हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है, और अब ये दोनों हैंडल हमें पार्ट के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से हमें पार्ट रखना है, और उसके ऊपर हमें यहाँ सेंटर पर हैंडल लगा देना है। तो यहाँ सेंटर पर मैं हैंडल रख देता हूँ, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें हैंडल लगा देना है, और यहाँ हमें सेंटर पर हैंडल रख देना है। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ भी मैं दूसरे पार्ट के ऊपर हैंडल लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर हैंडल लगा दिया है। और अब हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। तो जिप पट्टी के ऊपर हमें इस तरह से यहाँ जिप रख देनी है, और ये जिप पट्टी का माप यहाँ 5 इंच का है। तो यहाँ हमें 1.5 इंच का निशान रखना है। 1.5 इंच का माप रख कर यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच का निशान कर लेता हूँ। यहाँ 1.5 इंच से हमें जिप लगा देनी है। और अब यहाँ जिप के ऊपर मैं सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जिप के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस फैब्रिक को कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमने जो पट्टी कटिंग की है उसके साथ हमें जिप लगा देनी है।
तो इस तरह से हमें यहाँ चिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ दूसरी साइड के ऊपर भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें यहाँ दूसरी जेब भी लगा देनी है इसके पास, तो यहाँ मैं दूसरी जेब भी लगा देता हूँ। और यहाँ भी हमें 1.5 इंच का गैप रखना है, तो यहाँ भी मैं 1.5 इंच का माप कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ 1.5 इंच का निशान कर लेना है और यहाँ 1.5 इंच से हमें जिप लगा देनी है। जिस तरह हमने पहले जिप लगाई, इसी तरह हमें यहाँ दूसरी जिप भी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ दोनों जिप लगा दिए, तो इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अब यहाँ हमें दूसरा फैब्रिक लगा देना है, तो इस तरह से हमें यहाँ फैब्रिक ऊपर रख देना है। और ये फैब्रिक का माप हमने जो 14.5 इंच का बाय 4 इंच का कटिंग किया था, वो जिसका माप यहाँ 4 इंच का है और यहाँ 14.5 इंच का है, वो हमें इस तरह से यहाँ चिपट्टी के ऊपर रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ ये फैब्रिक हमें जोड़ देना है चिपट्टी के साथ। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके फैब्रिक जोड़ देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा फैब्रिक जोड़ देना है, तो इस तरह से हमें दूसरा फैब्रिक ऊपर रख देना है चिपट्टी के ऊपर। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यह दोनों पट्टी को, दोनों फैब्रिक को हमें जोड़ देना है चिपट्टी के साथ। और अब इस पट्टी के ऊपर हमें प्रेस कर देना है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। और अब इस पार्ट को हमें जिप पट्टी के साथ लगा देना है, जिप पट्टी के ऊपर हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी के ऊपर पार्ट रख देना है और यहाँ हमें जोड़ देना है। तो यहाँ हमने जो जिप पट्टी और ये फैब्रिक की सिलाई की है, दोनों सिलाई आई है, वहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ हमारी सिलाई है, वहाँ से हम इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है, थोड़े में इस तरह से सिलाई कर देना है। तो अब यहाँ से मैं सिलाई को शुरू कर देता हूँ। तो पहले हमें थोड़ा सीधा सिलाई कर देनी है, और अब यहाँ से हमें मशीन को इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से घुमा देना है। और अब यहाँ से हमें सीधा सिलाई कर देना है, जिस तरह से हमने शेप में कटिंग किया है उसी तरह हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमने जिस तरह से शेप में कटिंग किया है इसी तरह हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें थोड़ा सीधा सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ नीचे का जो फैब्रिक है ब्लैक कलर का, वो मैं कटिंग कर लेता हूँ, जो जिप पट्टी का फैब्रिक वो कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें कट कर लेना है। और यहाँ भी हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है, तो इस तरह दोनों साइड हमें क्रॉस में कट कर लेना है। तो इस तरह हमें दूसरी साइड पे ये जिप पट्टी के ऊपर ये दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी का फैब्रिक रख देना है और उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ उल्टा पार्ट रखना है, जिस तरह हमने पहले पार्ट लगाया इसी तरीके से यहाँ दूसरा पार्ट भी हमें लगा देना है। तो यहाँ भी ये जो दोनों सिलाई की है वहाँ से हमें सिलाई करनी है, तो थोड़ा हमें इस तरह सीधा करना है और यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है। तो दोनों साइड हमें सेम इसी तरीके से सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने पहले पार्ट जोड़ा है इसी तरीके से यहाँ जिप पट्टी के साथ ये दूसरा पार्ट भी हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरा पार्ट भी जोड़ देता हूँ।
तो इस तरह से मैंने जेब पट्टी के साथ ये दोनों पार्ट जोड़ दिया है और अब यहाँ भी हमें क्रॉस में कट कर लेना है। और अब यहाँ राउंड है तो राउंड में हमें यहाँ कट कर लेना है, तो यहाँ राउंड में मैं कट कर लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दोनों साइड हमें राउंड में कट कर लेना है। और अब यहाँ हमें पलटा लेना है, जेब पट्टी को हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ और ये हैंडल को हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से ऊपर का जो कॉर्नर है वो अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेना है हमें, तो यहाँ से अच्छे तरीके से मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट पलटा लेना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ ऊपर सिलाई कर दी है। और यहाँ से हमने जो क्रॉस में कट किया था इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है, यहाँ हमें खुला रखना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह हमें दोनों साइड यहाँ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो उसके ऊपर ये रबर की पाइपिंग है और रबर की पाइपिंग के ऊपर मैं ऐसा गोल्डन लेस लगाऊंगा। और आपके पास ऐसा गोल्डन लेस नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक की पट्टी यहाँ लगा सकते हो। तो इस तरह से हमें एक गोल्डन लेस के अंदर ये पाइपिंग रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमें यहाँ से पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और यहाँ पाइपिंग को कवर करने के लिए एक गोल्डन लेस पट्टी के टुकड़े इस तरह से हमें यहाँ लगा देना है, और यहाँ पाइपिंग को हमें ऊपर से कवर कर लेना है, तो यहाँ से मैं पाइपिंग को कवर कर लेता हूँ। और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ राउंड में पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है, तो इस तरह से हमें पाइपिंग को कट कर लेना है, और यहाँ राउंड में हमें इस तरह पाइपिंग रख देनी है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह यहाँ दूसरे राउंड के ऊपर भी हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर देना है, तो यहाँ भी मैं पाइपिंग के ऊपर कट कर देता हूँ, और यहाँ राउंड में हमें इस तरह से पाइपिंग रख देनी है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ तक ये हमें पाइपिंग लगानी है, और यहाँ से हमें पाइपिंग को कट कर लेना है, यहाँ से कटिंग कर लेना है, और यहाँ भी हमें पाइपिंग के ऊपर कवर कर लेना है, तो यहाँ भी मैं पाइपिंग को कवर कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब यहाँ जिप पट्टी को, जो ज़्यादा जिप पट्टी है, जो ज़्यादा जिप है उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ दोनों साइड से मैं ज़्यादा जिप पट्टी उसको कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें बॉर्डर लगा देनी है, तो पहले हमें इस तरह से बॉर्डर रखनी है, और पहले हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है, तो जिप हमें इस तरह से रखनी है, जिप पट्टी इस तरह से ये बॉर्डर के ऊपर रख देनी है, और यहाँ ऊपर की जो पहले जिप है वहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है, तो यहाँ से ऊपर की जो पहले जिप है वहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें पाइपिंग के ऊपर ये बॉर्डर लगा देनी है, और हमने जो पाइपिंग की सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। ये पाइपिंग के सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे, तो पाइपिंग हमारी अंदर या बाहर नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ मैं पूरे राउंड में बॉर्डर लगा देनी है, तो यहाँ पूरे राउंड में ये बॉर्डर लगा देता हूँ। और यहाँ ये ज़्यादा बॉर्डर है वो हमें बाहर निकाल लेनी है इस तरह से, और अब यहाँ से हमें जिप पट्टी और ये दोनों जिप और ये बॉर्डर हमें जोड़ देनी है, तो यहाँ से मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ है साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है, और अब इस बॉर्डर को हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं इस बॉर्डर को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ अंदर हमें पार्टीशन लगा देना है, जो दोनों जिप है दोनों जिप के बीच में हमें पॉकेट लगा देना है, यहाँ पार्टीशन लगा देना है, तो वो स्तर का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 9 इंच का कटिंग किया हुआ है, वो हमें लेना है, और उसके ऊपर ये जो खुला पार्ट है वो रख देना है, और ये जो हमारा खुला पार्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ इस अस्तर का कटिंग कर लेना है, इस अंदर के पॉकेट को कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ ऊपर हमें निशान कर लेना है, तो यहाँ हमारे जिप पट्टी की सिलाई आई है वहाँ हमें निशान कर लेना है, और आधा इंच हमें सिलाई का छोड़ देना है, और अब यहाँ हमें राउंड में निशान कर लेना है, इस तरह से हमारा जो पार्ट है इसके हिसाब से हमें निशान कर लेना है। और यहाँ भी हमारी जिप पट्टी है वहाँ तक हमें निशान कर लेना है, और आधे इंच हमें ज़्यादा रखना है सिलाई के लिए, तो इस तरह से हमें निशान कर लेना है, और अब यहाँ से जो ज़्यादा है उसको ऊपर से कटिंग कर लेना है, और हमने जो निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर ये दोनों जिप के बीच में जो पट्टी है उसके ऊपर हमें पार्टीशन लगा देना है, इस तरह से हमें यहाँ रख देना है, और यहाँ हमें सिलाई करके यहाँ पार्टीशन में जोड़ देना है, ये जो दोनों जिप के बीच में जो पट्टी है उसके ऊपर हमें पार्टीशन रखना है,
तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके ये पार्टीशन लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर सिलाई करके ये पार्टीशन यहाँ लगा देना है। और अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर हमें अस्तर लगा देना है, पूरे राउंड में हमें ये पार्टीशन लगा देना है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं ये अस्तर लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये अंदर का पार्टीशन लगा देना है। और अब ये खुला पार्ट है, उसके साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ पार्ट के साथ ये बॉर्डर जोड़ देनी है। और यहाँ भी हमने जो पाइपिंग की सिलाई की है, वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पूरे राउंड में हमें बॉर्डर लगा देता हूँ। और अब यहाँ से हमें बॉर्डर का माप कर लेना है, यहाँ ज़्यादा या कम ना हो इसलिए हम माप करके देख लेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है और यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ और यहाँ अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से हमें राउंड में पाइपिंग अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेनी है। तो यहाँ से मैं इस राउंड को अच्छे तरीके से पाइपिंग बाहर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप वाला दो पॉकेट भी आ गए, इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप आ गई है और यहाँ बाहर साइड में भी एक पॉकेट आ गया है। तो इस तरह से यह बाहर साइड में एक पॉकेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, तो इस तरह से बनने के बाद दिखता है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।